press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें वो अपनी पर्सनल राय रखेंगी। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत सिखाता है ना, हम तो ये दावा ठोकते हैं ना, इस्लाम अच्छी बात सिखाता है। एक मिनट, ऐसे लोग तो मुझे खत्म कर दे जी, मुसफ्फर भाई, मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन से लेकर के हम तोतली जुबान में जब होते हैं ना, तब हमें हमारे बड़े बूढ़े ये सिखाते हैं कि वो हिंदू है, वो काफिर है। हमारे हमारे हमारी भाषा क्लियर नहीं होती है, हमें पता भी नहीं होता है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं कि हम हिंदू घर में पैदा हुए हैं, पर हमें यह तोतली जुबान में सिखाया जाता है कि अगर कोई हिंदू का डेड बॉडी जा रहा है तो पढ़ो फिनारे जहन्नम, पर अगर कोई मुसलमान बलात्कारी का भी डेड बॉडी जा रहा है, जनाजा जा रहा है, तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों आज हिंदू, जिनको बचपन से हमें सिखाया जाता है काफिर बोलना, वो शांति फैला रहे हैं, वो हर जगह सुकून की बात कर रहे हैं, वो हर जगह मानवता की बात कर रहे हैं, वो हर जगह, हर देशों में जा करके, इवन अरब में जा करके सक्सेस का वो विजन स्प्रेड कर रहे हैं। और इस्लाम, जिसको सुकून का मजहब बोला जाता है, वो हाथ में तलवार, बॉम्ब और माथे में 72 वर्जिन हूर और बिस्तर पर 4 बीवियां सेक्स टॉय की तरह लेकर के पड़े हैं। ये है इस्लाम। आपने सही कहा, मैं वही बात कर रहा था कि ऐसे लोग तो मुसलमान कहलाने के तो बाद की बात है, इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है कि जो इस तरह के काम करते हैं। जो जिस तरह आपने बोला कि ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ऐसी फैमिलियों को जानता हूं, उनसे मैं मिलकर आया हूं, जिनकी बेटियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है। वो बहुत परेशान थे और जो उनके बाकी रिलेटिव थे वो ये कह रहे थे कि अब हमने अपनी बच्चियों को जो है वो स्कूल से हटवा लिया है, कि क्योंकि स्कूल के अंदर जब बच्ची जाती है उनकी, तो उनके पीछे जो है वो लड़के लगा दिए जाते हैं और जो उनको ट्रैप करते हैं, उनको सबज बाग दिखाते हैं और इस तरह उनको अपने जाल में वो फांसते हैं। तो बहुत सारे जो है इस तरह के खानदान हैं पाकिस्तान के अंदर, जो अब फैसला कर चुके हैं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन जिनकी बेटियों को मियां मिट्ठू के जो घर में रखा गया था और फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था, उनके बाकी सारी जितनी भी फैमिली है अब वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर भारत के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अगर उन तमाम अत्याचारित, डिप्राइव्ड, ह्यूमिलिएटेड, हैरेस्ड माँ बहनों को, भाई बहनों को अगर ला करके हमारे भारत में मान सम्मान और सुकून की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी देने की बात की जा रही है, तो क्यों चिल्ला रहे हैं मुसलमान, क्यों चिल्ला रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा विपक्षी, भारत के विपक्षी पर आ जाती हूँ, और खास करके मैं राहुल गांधी पर जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि आज राहुल गांधी की पार्टी के सारे लोग CAA के विरोध में रोड पर उतर चुके और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी तेजी से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी की दादी अम्मा, दादी अम्मी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, तेज तर्रार औरत, इंटेलिजेंट औरत, तो उन्होंने उगांडा के से हिंदुओं को बुला करके भारत में सिटीजनशिप दिया था। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, और राहुल गांधी के अब्बू जान जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने श्रीलंका से बुला करके हिंदू टमेलियंस को भारत में सिटीजनशिप दिया था। तो अगर मोदी जी वही काम कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति कहां से आ रही है? मतलब मोदी जी की विरोध करते करते राहुल बाबा अपनी ही दादी और अपनी ही अब्बू जान के खिलाफ उतर आए हैं। आज राजीव गांधी की आत्मा जो है ना, वो रो रही होगी, आज इंदिरा गांधी की आत्मा तड़प रही होगी कि कैसा पोता है मेरा जो मेरी ही विरोध में उतर गया है रोड पर। आज राजीव गांधी सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि वो बम से फूट गए, क्योंकि ये तो कंधा देने के भी काबिल नहीं था, ये तो मेरा ही विरोध कर रहा है। अब आप, ये बात तो सही है ना, क्योंकि जो दादी और अब्बू जान ने किया, आज वही चीज मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो ये लोग मोदी जी के विरोध में उतरे हैं, मतलब अपनी दादी और अपने अब्बू के विरोध में उतरे हैं। अब आती है बात कि
पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क है, 57 मुस्लिम मुल्क है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन तमाम मुस्लिम मुल्कों से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ करके रमजान के पहले रोजे में मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लाइए और भारत में सिसक रहे आरफा शिरवानी को और अवेसी जैसे हुड़दंगे को आप लोग प्लीज बुलाइए। हम लोग उनको पूरी इज्जत के साथ बग्गी और घोड़ा गाड़ी में बैठा करके पाकिस्तान के बॉर्डर में छोड़ेंगे, और जो भी देश वो चूज करना चाहते हैं, चाहे वो सऊदी अरब चूज करना चाहते हैं, चाहे वो सीरिया चूज करना चाहते हैं, चाहे वो अफगान चूज करना चाहते हैं, मैं स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली मैं सिर्फ पाकिस्तान को ये बिल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं 57 मुस्लिम मुल्कों को बोल रही हूँ कि 57 मुस्लिम मुल्कों में अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भारत के मुसलमान सिसक रहे हैं, वो बहुत परेशान है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, तो काइंडली काइंडली जैसे आज मैंने पूरे डेटा के साथ बात किया है, ऐसे डेटा के साथ बात करके यूएन को रिक्वेस्ट करके आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लेकर के आइए, पास करिए अपने सांसद से, और यहां से हुड़दंगी जंगजू जिहादी आतंकी जिस जिस मर्द मुसलमान मर्दों का पैंट का जिप और पजामे का नाड़ा खुला रहता है उनको उठा करके ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो प्रदर्शन में भी नहीं उतरेंगे, खुदा की कसम रमजान का महीना है, हम तो प्रदर्शन में भी नहीं उतरेंगे कि क्यों हमारे मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान, नहीं, हम तो कहेंगे जो कल जाने वाले हो भैया हम घोड़ा गाड़ी मंगवा रहे हैं, आज चले जाओ बैंड बाजे के साथ, नहीं होनी चाहिए। अच्छा यही बात मैंने, आप वाली बात मैं पाकिस्तानी मुस्लिम से भी पूछता हूँ, जब ये बात होती है, जब मैं इनको कहता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू के साथ इस तरह हो रहा है, तो वो जवाब में बोलते हैं जी इंडिया में भारत में भी मुसलमानों के साथ ऐसे हो रहा है। मैंने फिर बोलता हूँ कि भाई मैं आपको बहुत सारे हिंदू ऐसे दिखा दूंगा कि जो पाकिस्तान से अपनी जान बचा के भारत में जा चुके हैं, आप मुझे एक मुसलमान ऐसा दिखा दो जो भारत से भागकर पाकिस्तान में आया हो और जिसने कहा हो कि भारत के अंदर मेरी जान महफूज नहीं थी इसलिए मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, तो इस चीज का कोई जवाब ही नहीं होता उनके पास, कहते नहीं जी वो ऐसे है जी वैसे है, यानी कि बात लॉजिक के साथ तो करनी नहीं, ना ही उन्होंने सुननी है। तो देखे ना, आप भी देख सकती हैं कि कोई ऐसा भारत के अंदर से मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान आया हो और उसने यहाँ पर आकर पनाह ली हो और बोला हो कि जी मेरी जान को वहां पर खतरा था और मैं पाकिस्तान में आ गया। क्लियर मुजफ्फर भाई, इसका क्रिस्टल क्लियर जवाब है, जैसे हर एक चीजों के लिए अवेसी से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के इत्तेहादुल मुत्तदीन से लेकर के उसके बाद फिर जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे हर एक बातों पर सर्वोच्च न्यायपालिका हमारे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंटर करते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो 3 तलाक बैन करने का हमारा मुद्दा हो, चाहे वो पॉलीगेमी हलाला बैन करने का मुद्दा हो, या ज्ञानवापी का मुद्दा हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या किसी भी चीज का एक्स वाई जी किसी भी चीज का मुद्दा हो, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दारुल उलूम अवेसी आरफा खानम शिरवानी बहुत बहुत एक्टिव मतलब वॉइस बन करके सामने और रोड से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक सामने आते हैं। क्या एक पिटीशन कोई मुझे दिखा सकता है, मैं चैलेंज दे रही हूँ कि कोई एक पिटीशन कोई मुझे दिखा सकता है कि आरफा खानम शिरवानी या अवेसी ने ये डाला है सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में हम सिसक रहे हैं, हमको मुस्लिम देश भेज दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे करें फिर, अगर उन्हें कोई वहां पर प्रॉब्लम है तकलीफ है तो ये पिटीशन दायर करें और बोलेंगे जी हम इस देश में नहीं रहना चाहते, और पाकिस्तान से अपील करें जी, पाकिस्तान से बोलें कि जी हम बहुत हमें मसला है भारत के अंदर, हमें आजादी नहीं है, ये है वो है, तो हम पाकिस्तान में आ जाएं, तो इनका शौक पूरा होना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं मुजफ्फर भाई मतलब फिक्स्ड नहीं होना चाह रही हूँ पाकिस्तान पर से, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आरफा खानम शिरवानी अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, वो जीन्स वीन्स पहनती है बहुत ज्यादा, वेस्टर्न आउटफिट्स को बहुत ज्यादा पहनती है, तो शायद पाकिस्तान उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, नुसरत रूही जहान जैन है वो चड्डियों में ही रहती है तो उसके लिए पाकिस्तान कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन आप दुबई चले जाइए, अबू धाबी चले जाइए, आप ईरान चले जाइए, ये सब जगह में बहुत आराम से धड़ल्ले से वेस्टर्न आउटफिट्स चलता है,
तो आप सिर्फ पाकिस्तान, अभी मैं भी अगर आपके साथ इस कन्फ्रंटेशन में अगर बोलूंगी कि नहीं पाकिस्तान, तो वो लोग मुझे बोलेंगे सिर्फ पाकिस्तान क्यों बोल रही हो। नहीं, 57 मुस्लिम मुल्कों का, आप कोई भी मुल्क जो आपको 57 में पसंद है, आप उसकी एक याचिका डालिए ना सुप्रीम कोर्ट में कि हमें यहाँ भेज दिया जाए, डालिए ना। लेकिन मैं आपको दावे से बोल रही हूँ कि ये नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हुड़दंग, जो आजादी, जो दंगई और जो अश्लीलता का नंगा नाच ये आराम से भारत के अंदर कर ले रहे हैं, ये अरब जाएंगे ना तो सारे नामर्द हो जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वैसे इनसे आपने कभी पूछा है या इनका कहना क्या है कि इनको तकलीफ क्या है CAA से या जो इस तरह के कानून है, इनसे इनको तकलीफ है क्या? देखिए, ऐसी बात है कि मेरे नाम का मतलब तो प्राउडी है, नाजिया। घमंड मेरे अंदर रत्ती बराबर भी नहीं है, इस बात का आप भी मुझे बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी। पर बात ऐसी है कि मैं अपने देश के दुश्मनों से बात करना पसंद नहीं करती, मैं अल्लाह की उम्मत से बात करना पसंद करती हूँ, मैं प्रभु राम के पुजारियों से बात करना अपने लिए ऑनर समझती हूँ, जो प्रभु राम के सामने अपने माथे को टेकते हैं, मैं ऑनर फील करती हूँ, सर झुकाकर मिलती हूँ। पर जो मुसलमान भारत में अल्लाह के स्लीपर सेल बन गए हैं और पैगामे रसूल की जगह पैगामे मुगल बन गए हैं, उनसे बात करना मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने अपनी पर्सनल राय आप सबके सामने रखी और ना सिर्फ बात की शांति प्रिय मजहब के बारे में, बल्कि जो विरोधी CAA का विरोध कर रहे हैं उनको भी जम के उधेड़ दिया और खासकर मजहब के ठेकेदारों को भी आड़े हाथों लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।